Now the chapter is biodiversity. So first we will discuss the meaning of this topic, bio. Bio, that means life, or we can say living. Diversity, that means variation. So we can say that biodiversity, that means life or variation in the life, is called as the biodiversity. बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लाइफ के अंदर वेरिएशन. जो अर्थ है, अर्थ प्लैनेट के ऊपर अलग अलग तरह की हमें वेराइटीज मिलती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो. ठीक है, उसके अलावा भी कई लिविंग क्रिएचर्स ऐसे हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, जिसको हम कंसिडर करते हैं माइक्रोब्स के अंदर. तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली डील्स विद द वेरिएशन इन लिविंग फॉर्म्स, वेदर दे आर सिंगल सेल, वेदर दे आर मल्टी सेल, वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक और वेदर दे आर यूकैरियोटिक. ठीक है, एंड सम माइन्यूट क्रिएचर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड विच डू नॉट एग्जिस्ट इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, यू कैन से. सो बायोडाइवर्सिटी इज द स्टडी ऑफ द वेरिएशन ऑफ लिविंग क्रिएचर. बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम स्टडी करते हैं वेरिएशन की, हर एक लिविंग क्रिएचर की, कि किस तरह से एक बैक्टीरिया जो है वो अमीबा से डिफरेंट होगा, कि किस तरह से बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होगी लेकिन अमीबा के अंदर वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से अमीबा जो है ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट है. अमीबा ऑल्सो कंडक्ट द डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. वी और वी से ह्यूमन बॉडी ऑल्सो कंडक्ट द डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. बट द डिफरेंस इज दैट इन अमीबा देयर इज अ सेल ओनली, बट इन आवर बॉडी देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक, अमीबा कंडक्ट ऑल इट्स प्रोसेस फ्रॉम अ सिंगल सेल, बट इन आवर बॉडी देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर. दैट इज फॉर द डाइजेशन देयर आर अ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, विच फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम, वी कैन से. सो हमारी बॉडी के अंदर अगर डाइजेशन हो रहा है तो वो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हो रहा है, कि उसमें क्या है, कोई स्पेसिफिक ग्रुप है सेल्स का जो कि उसमें अरेंज्ड है, स्पेसिफिक ग्रुप है टिश्यू का जो कि इस काम में इन्वॉल्व है. ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गन है जो कि इस काम में इन्वॉल्व है. बट व्हाट अबाउट द अमीबा? अमीबा इज अ सिंगल सेल. इन दैट सिंगल सेल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंडक्टेड. सो दैट इज द वेरिएशन दैट बोथ द लिविंग क्रिएचर अमीबा एज वेल एज द ह्यूमन बींग्स दे डाइजेस्ट द फूड. बट द मेथड बाय विच दे डाइजेस्ट द फूड, द डिफरेंसेस इन द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी. ठीक है, अब कई लिविंग क्रिएचर ऐसा है जो कि एनएरोबिक कंडीशन में रहते हैं. एनएरोबिक मींस वेयर द ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट. कई लिविंग क्रिएचर ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, जैसे कि हम खुद हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वेरिएशन की, किस तरह से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है. एक सिंगल सेल है जो कि हमें माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ रही है, मल्टी सेल है, हम बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स है, उनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इसी के साथ साथ डाइवर्सिटी के अंदर हम उनकी फूड हैबिट्स का भी स्टडी करते हैं. लाइक द प्लांट्स, प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स. व्हाई दे आर ऑटोट्रॉफ्स? बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर फूड. दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट ऑन द अदर हैंड एनिमल्स आर नॉट द ऑटोट्रॉफिक. व्हाई दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक? बिकॉज दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, बट दे टेक देयर फूड फ्रॉम द अदर सोर्सेज लाइक द एनिमल्स, लाइक द प्लांट्स. ठीक है, तो इस तरह से हम डाइवर्सिटी के अंदर यह भी स्टडी करते हैं कि कौन से ऐसे लिविंग क्रिएचर है जो कि ऑटोट्रॉफिक होंगे, कौन से ऐसे लिविंग क्रिएचर है जो कि हीटरोट्रॉफिक होंगे. ठीक है, इसी के साथ साथ हम उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे. उनके अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, कोई ऑर्गन है क्या. ठीक, और हम कंपेयर करेंगे कि इवोल्यूशनरी टाइम पर और आज जो लिविंग क्रिएचर है उनके वर्किंग में, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में क्या डिफरेंसेस है. So that is all about the biodiversity. अगर हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो मोस्ट बायोडाइवर्सिटी और वी से द हॉट स्पॉट ऑफ द इंडिया इज द वेस्टर्न घाट्स विच कवर्स द कर्नाटक, केरल, कर्नाटक केरल और सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द गोवा आई थिंक. ठीक है,
and the other portion is the Eastern Himalayas. Eastern Himalayas are also rich in the diversity. So these are the two regions in India which are the hot spots or rich biodiversity is there. First is the Western Ghats and the second one is the Eastern Himalayas. Okay. Now the term biodiversity. Biodiversity, it means the variation in living creatures with respect to their body organization with respect to their body organization, food habits, etc. That is the biodiversity. It means that the variation in the living creature with respect to their body organization, food habits, etc. Now the next term is the classification. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तुम लोगों की क्लास है. तुम लोगों की क्लास के अंदर क्या है? हम बच्चों को अगर डिवाइड करते हैं, जैसे हु गॉट द हु आर इन द टॉप 10 एंड हु आर इन द लास्ट 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो दैट इज द कैटेगराइजेशन. इस बेसिस पर हम कैटेगराइज करते हैं कि टॉप 10 स्टूडेंट जो हैं वो लेबोरियस हैं, उनके मार्क्स जो हैं अच्छे हैं. लास्ट 10 स्टूडेंट अगर हम तुम में से कैटेगराइज करते हैं तो हम उसके अंदर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये वो स्टूडेंट है जो कि क्लास के अंदर अटेंटिव नहीं है, ये फिर इनको समझ में नहीं आता, ये फिर ये लोग जो है समझने की कोशिश नहीं करते. तो इस तरह हमने क्या करा, कैटेगराइजेशन करा कि टॉप क्रीम लेयर जो थी उसके बाद एवरेज स्टूडेंट बचते हैं जो, ठीक है, और थर्ड वन इज द लास्ट 10 एज आई एम सेइंग. तो इससे क्या होगा, तुम लोगों की क्लास का जो है डिविजन हो जाएगा, ये सबसे इंटेलिजेंट कौन से हैं, सबसे डफर कौन से हैं और एवरेज स्टूडेंट कौन से हैं, ठीक है. तो दैट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन. जब हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उनका भी क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनका कैटेगराइजेशन. जैसे कि प्लैनेट अर्थ है, प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितने भी ग्रीन लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी ग्रीन जो हैं, ऐसी ग्रीन लाइफ जो कि एग्जिस्ट करती है अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर उनका एक पोर्शन जो होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर बरीड होता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्लांट्स को पॉपुलेशन है, वो लिविंग क्रिएचर्स की पॉपुलेशन है जिनका जो लोअर पोर्शन होता है वो कहाँ पर बरीड होता है, सॉइल के अंदर, ठीक है. तो वी कैन से दैट देयर इज अ कैटेगराइजेशन इन द डाइवर्सिटी ऑल्सो. लिविंग क्रिएचर्स जो है, जैसे कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस करना पड़ा होगा, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, पोल्ट्री एनिमल्स, ठीक है. तो ये क्या उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी कैटेगराइजेशन है. तो इसीलिए इसी तरह से डाइवर्सिटी जब हम पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, क्लासिफिकेशन एक टर्म आती है. तो क्लासिफिकेशन मींस टू कैटेगराइज द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स, अकॉर्डिंग टू देयर रेजिडेंस, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, इट इज द कैटेगराइजेशन, इट इज द categorization of living creatures according to their peculiar features according to their
specular features. Specular features. तो हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन वो मेथड है जिसके थ्रू हम कैटेगराइज करते हैं लिविंग क्रिएचर्स को उनके पेक्यूलर फीचर्स के बेसिस पर, उनकी फूड हैबिट्स के बेसिस पर, उनके रिप्रोडक्टिव पर्पस के बेसिस पर, उनके रेजिडेंस के बेसिस पर. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना. तो नेक्स्ट इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. Hierarchy of classification. Hierarchy of classification. So here we can understood the meaning of hierarchy. What is the hierarchy? Hierarchy means the order. Suppose in your class there are many students. Now I am asking the order. Order of students who get the highest marks from the highest to the lowest. So that is the ordering of your class. Ki the student X got the highest marks. Now he is in the first. He is at the first of the ranking list. तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन हमें बताती है कि क्लासिफिकेशन जब हम लिविंग क्रिएचर का कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज बन रही है, कौन क्या उसका ऑर्डर है. ठीक है, तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द order of animal, order, or we say rank of animal, rank of animal in classification. That is the hierarchy of classification. तो हम rank of animal अगर discuss करते हैं, hierarchy को discuss करते हैं, तो hierarchy के अंदर क्या होगा? देखिए, hierarchy जो आती है वो इस तरह से आती है. So this is the hierarchy of classification. The first one is the kingdom, then phylum, then class, then order, then family, then genus, then species.